बाजार में जहां एक तरफ सैनिटाइजर नहीं मिल रही है, वहीं आज हॉकर्स कॉर्नर के निवेदिता मार्केट में यहां पर सैनिटाइजर बेचे जा रहे हैं। हम बातचीत करेंगे, क्या अमित तालुकदार, सैनिटाइजर आप कहां से ला रहे हैं? हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है। कहां से आ रहे? डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से आ रहे, डेटोल कंपनी का है। ये तो सील पैक तो नहीं दिख रहा है, माल आया तो पटक दिया तो वो तो टूट फूट गया। पेटी देखिए, पेटी है। अच्छा, एक पीस के कितनी दाम ले रहे हैं? हम लोग 80 रुपया ले रहे हैं। कितना इसमें खरीद? एमआरपी है आपका 82 रुपीस। अच्छा, कितने में खरीद के ला रहे हैं आप? 77.85। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिलीगुड़ी के मार्केट में सैनिटाइजर नहीं है, अचानक से कहाँ पे? सैनिटाइजर सब जगह अवेलेबल है, सब कुछ व्यापारी वो अपना पास रख रहे हैं इसलिए नहीं मिल रहा है। सैनिटाइजर अवेलेबल है, मतलब घपला कर रहे हैं लोग सैनिटाइजर। हाँ, सैनिटाइजर ले जाके घपला कर रहे हैं, घपला कर रहे हैं। आपको कहाँ से मिले? डिस्ट्रीब्यूटर से। कहाँ से आया है माल? डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से, डेटोल कंपनी से आया है। जगह सिलीगुड़ी डिस्ट्रीब्यूटर है, खलपड़ा में ही डिस्ट्रीब्यूटर है। क्या नाम है आपके डिस्ट्रीब्यूटर? उतना तो उतना कैसे बोले आपको? तो आप देख रहे हैं कि डेटोल कंपनी की यहाँ पर 80 रुपए पे मिल रही है, और ये भैया बता रहे हैं कि कुछ एक दो रुपए के ये नाफा में ये इसको बेच रहे हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि सिलीगुड़ी में सैनिटाइजर की बहुत किल्लत है, सैनिटाइजर लोगों को नहीं मिल रही, लेकिन इसी बीच सैनिटाइजर जो है ये यहाँ पर बेची जा रही है 80 रुपए करके। पास में एक और दुकान है, हम यहाँ पर भी आएंगे। आइए आप हमारे साथ। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम सुजीत शाह। करके बेच रहे सैनिटाइजर? 140 एमआरपी है, 130 रुपए के बेच रहा है। अच्छा, सुबह से कितनी बिक गई? मोटर बेचा है 200-300 पीस बेचा है। कौन सी कंपनी के ये सैनिटाइजर? ये नेचर्स कंपनी, नेचर्स। कहाँ से आ रही है सैनिटाइजर? डायरेक्ट कंपनी से आया है, जो ये कंपनी का मालिक है उससे आया है। हाँ हाँ, आपको GST बिल चाहिए तो दे देंगे। सिलीगुड़ी में तो सैनिटाइजर की कमी है, इस बीच कहाँ से आ रही है आपके पास? ये हम लोग बाहर से मंगाया, अभी सप्लाई सब कस्टमर का अच्छे के लिए, आदमी का अच्छे के लिए। कहाँ से मंगवाए? हाँ, हम तो सिलीगुड़ी से खरीदा है। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेड करके बाहर से लाया है आदमी लोग। कितने रुपए में खरीद के लाए सर? 120 रुपए के लाए। हाँ हाँ, 130 रुपए में बेच रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, समाज सेवा कर रहे हैं। फिर भी तो 10 रुपए की बेनिफिट हो रही है? 10 रुपए तो लाभ करना पड़ेगा, दीदी इतना मेहनत कर रहा है। बहुत दूर से माल आ रहा है। ये तो बाहर का माल है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे नेचर फ्रेश कंपनी की ये सैनिटाइजर यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिलीगुड़ी में सैनिटाइजर की पूरे तरीके से किल्लत चल रही है, और इस बीच जो व्यवसायी है जो पहले से ही खरीदे हुए हैं वो अपने घरों पर स्टॉक किए हुए हैं, और आज इस जब बाजार की जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि बाजारों में सैनिटाइजर की कमी हो रखी है, और इस बीच लोग जो है पहले से जो स्टॉक किए हुए उसको निकाल कर आज बेच रहे हैं। ये हो सकता है कहीं तक कि आप लोग बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग आज ही लाए हैं माल। माल आजकल में कोई बिजनेस करता है तो हम ऐसा कह सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि इसी बीच जब सामान बढ़ रही है तो इसी बीच लोग जो है वो बिजनेस पे आतुर है, बिजनेस करने के लिए ही लोग खड़े हुए हैं, और इस वक्त भी लोग नाफा में करके बिजनेस बेच रहे हैं। साइड में एक लाइफ बॉय कंपनी की है हैंड वॉश जो है वो बेचा जा रहा है। कितने करके बेच रहे हैं? 175 रुपए एमआरपी, 160 रुपया। 175 रुपए एमआरपी, 160 रुपया। 175 की एमआरपी, 160, 160 रुपया करके। अच्छा, ये मेरा कितना शॉप है? ये हमारा दुकान है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइफ बॉय कंपनी की हैंड वॉश है, और साथ ही साथ सैनिटाइजर है, और सैनिटाइजर यहाँ पर बेची जा रही है अवैध तरीके से। पता नहीं, अवैध तरीका हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो एमआरपी है उससे कुछ रुपए की ये लोग सही दाम से बेच रहे हैं। इसी बीच एक दवाई दुकान पे मौजूद है, आइए यहाँ के जो दुकानदार है मालिक इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? बाजू घोष, सोमेन घोष। अच्छा, आपके दुकान में भी सैनिटाइजर अवेलेबल है सर? ना। अच्छा, कब से क्राइसिस है सैनिटाइजर? 15-20 दिन से नहीं है। अच्छा, अभी डिमांड कैसे है लोगों के? नहीं है फिर बहुत भी? है,
फिर भी लोग मांग रहे हैं बहुत। अच्छा आपसे एक प्रश्न था कि पास ही में हॉकर्स कॉर्नर जो मार्केट है, निवेदिता मार्केट है, वहाँ पर कुछ लोग सैनिटाइजर डिटॉल कंपनी के और नेचर फ्रेश के बेच रहे, तो वो कितने हद तक सही है? वो तो मालूम नहीं है, अभी तो जहाँ पर भी जा रहे हैं डेटॉल, लाइफ बॉय कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो डेटॉल कंपनी का सैनिटाइजर उसका दाम है ज़्यादा, सरकार ने काल से बोल दिया 100 रुपया करके सेल करना चाहिए जी। तो वो तो हम लोगों खरीद रहे हैं लेकिन खरीदने जा रहे हैं उसका दाम ज़्यादा है, प्रिंट ज़्यादा है, हम कैसे लें? सर जो वो लोग बेच रहे हैं सैनिटाइजर क्या, और वो सील पैक भी नहीं है, तो आप क्या समझते वो सही है या गलत है? जो सील पैक नहीं है वो तो गलत ही है। हाँ। और इस बीच जो माहौल सैनिटाइजर में आपकी दुकान दवाई की है तो यहाँ पे नहीं मिल रहा, वो लोग कहाँ से लेके आ रहे हैं? वो तो मालूम नहीं है कहाँ से मिलता है, कोई ब्लैक में कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो कितने हद तक आप इसको सही समझते हैं, मतलब वो कंफर्म? क्राइसिस पे टाइम पे तो ऐसा होता ही है जी। जैसे कि कुछ ज़्यादा दे के और भी खरीदना चाहिए, ऐसा हो रहा है कोरोना को लेकर, मान लीजिए वो तो पूरा माहौल ही खराब हो गया जी। सब जो जो मिलता है वही वही ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो सिलपैक नहीं है और ऐसी कंपनी की जो बिक रही है वो सही में सैनिटाइजर है या कुछ और है? वो तो पता नहीं है, सैनिटाइजर होगा तो सिलपैक होगा ही, जो अच्छा है वो जो ठीक है वो तो सिलपैक ही होगा जी। बिल्कुल सील तो होना चाहिए जी। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि ये भैया बता रहे थे कि जो सैनिटाइजर ओरिजिनल होगी उसकी जो सील पैक तो वो होनी ही है, लेकिन जो बिक रहा है उसकी सील पैक नहीं है। एक और दवाई की दुकान पर हम लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते। सर आपका नाम? तपन शाह। अच्छा इस बीच आपकी दुकान में सैनिटाइजर मौजूद है? अभी तो फिलहाल नहीं है, रोड पे माल है, आने वाला है, जब तक घुस सकता है रोड का, अभी मेरा स्टॉक पे नहीं है, जब कोई टाइम में घुस सकता है, मतलब कभी भी आ सकता है। आ सकता है। अच्छा सर कब से नहीं है सैनिटाइजर? सैनिटाइजर मेरा पास 5,000 पीस आया था 10 रोज पहले, उस टाइम 10 रोज पहले बिक्री हो गया, आज 3-4 रोज से माल नहीं है। और डिमांड है लोगों? डिमांड बहुत है, अभी 50,000 रोज से 50,000 चलेगा, ऐसा डिमांड है। सर आपसे एक जानकारी चाहिए थी कि जो बाजार पे जो फुटपाथ पे जो लोग बेच रहे हैं डेटॉल कंपनी की सैनिटाइजर और नेचर फ्रेश की, और उस पे सील पैक भी नहीं है, तो वो कितने हद तक सही है? नहीं, जो जो सील पैक नहीं है, कंपनी का कोई नाम पता नहीं है, वो तो कुछ नहीं बोल सकता है। वो क्या डेटॉल कंपनी और नेचर फ्रेश की जो लोग बेच रहे तो क्या वो सही है? नहीं है, नहीं है। सैनिटाइजर 99% 60% जान फ्री होना चाहिए। हाँ हाँ यह मेरा पास है, आप देखिए। अच्छा तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे सर के पास एक अवेलेबल है, वो हमें दिखाएंगे बताएंगे कि सैनिटाइजर आखिर कैसी, क्या कितने परसेंट उसमें अल्कोहल की होनी चाहिए, वो मात्रा हमें दिखाएंगे जो रोड साइड है वहाँ पे नहीं है। ओरिजिनल है ये, स्माइली ये ओरिजिनल है। अच्छा। ये भी ओरिजिनल है, ये इतना पावर होने से तब ठीक है जो बिक्री करता है, ये हम लोग का यूज़ कर लिया है। इसके ये 99, ये था वो 110। तो सर आप कह रहे हैं कि जो बाजार में बिक रही है वो लोगों को जस्ट गुमराह करने के लिए बेच रहे हैं या फिर गलत तरीके से? नहीं, दाई दुकान से लेने से क्या होगा, वो डुप्लीकेट नहीं होगा, दाई दुकान से लेने से डुप्लीकेट नहीं देगा कोई, दूसरा जगह लेने से फुटपाथ से हो तो उसका गारंटी तो नहीं दे सकता है। सर आपको नहीं लगता कि जब कोरोना वायरस को लेकर लोग इतने डरे हैं और दवाई दुकानों में नहीं है और लोग सड़क पर बेच रहे हैं, तो क्या मैसेज देंगे आप? नहीं अच्छा नहीं है वो इसके लिए स्पीड खरीदे, हाथ दो, और सामान से हाथ दो भी अच्छा है, हैंड वॉश हाथ दो, लेकिन वो रास्ता वाला हैंड सैनिटाइजर मत यूज कीजिए। प्रश्न और है आपसे कि आपकी दवाई की दुकान है, कुछ दवाइयों की क्राइसिस हो रही है या फिर सब क्राइसिस? कुछ आदमी ले जा रहा, कुछ दवाई 3-4 स्पेसिफिक दवाई बाजार में, उस पर शॉर्टेज है, लेकिन हम लोग के पास जितना स्टॉक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं दवाई का भी। अभी जितना दवाई है सिलीगुड़ी में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी समय जब कोरोना वायरस के आतंक से लोग आतंकित हैं और यहाँ पर इस तरीके से मिल रहे, साथ ही साथ यहाँ पर एक मास्क की भी दुकान है, इससे भी बातचीत करेंगे। भैया कितने करके बेच रहे हैं आप मास्क? 15-20 रुपया। अच्छा कहाँ से आ रहे हैं आपके मास्क? ये यहीं से आ रहा है, लोकल हाँ लोकल आ रहा है।
कितने बिक गए अभी तक? और ज्यादा नहीं बिका है, 50-60 पीस बिका है। कितना कॉस्टिंग हो रहा आपका बना के जब आप खरीद रहे हैं? बना के 20 रुपया बेचा, 60 रुपया बट्टा, कमाई नहीं है, माल अटा जाएगा। सर 120 रुपये 140 रुपये खरीदते हैं, 15 रुपये बेचते हैं मैंने खुला। एक एक पीस में कितना हो रहा है आपका? 3 रुपया 2 रुपया नफा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मास्क की और यहाँ पर एक सैनिटाइजर की हम आपको दिखा रहे हैं कि हॉकर्स कॉर्नर पे, फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि हॉकर्स कॉर्नर पे किस तरीके से लोग जो है वो मास्क बेच रहे हैं और सैनिटाइजर बेच रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी दुकानें जो है वो लगाई गई है। कितना करके बेच रहे हैं? 20 रुपया 15 रुपया ये 15 की हैं। अच्छा, ये सर ये 20 की हैं। अच्छा, कितना खरीद के लेके आ रहे हैं? ये 12 रुपया खरीदते हैं, जो 15 बिकता है, 18 गिनते हैं, 20 बिकता है। अच्छा, ऐसा लग रहा है। कितना बिक गया है अभी? अभी 100-150 बिका होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और दुकान है, हम यहाँ पर भी बातचीत करेंगे कि यहाँ पर कितने प्राइस में मिल रही है। आइए इस दुकान से भी हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कि बहुत सारी होलसेल यहाँ पर की जा रही है मास्क की, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का आतंक है तो लोग कहीं ना कहीं डरे हुए है। कौन सा? ओ भाई, एक दुकान हमारा नहीं। खरीद रहे हैं आप? कौन आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं? बेच रहे हैं। 20 रुपया करके, 25 रुपया करके, 23 रुपया खरीदा, 25 रुपया बिक गया हम लोग का। 23 रुपया बिक गया। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि बाज़ारों में जो है मास्क की और सैनिटाइज़र की बिक्री जो हो रही है, मास्क तो ठीक है खैर मिल भी रहे हैं और लोग बना के इसको बेच भी रहे हैं, और अगर हम बात करें सैनिटाइज़र की तो जो किल्लत देखी जा रही है पिछले कई दिनों से, जो मार्केट में सभी दवाई दुकानों में अगर हमने बातचीत किया तो उनका भी यही कहना है कि मार्केट में सैनिटाइज़र की उपलब्धि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोगों का डिमांड जो है वो भरपूर है कि लोग सैनिटाइज़र की मांग करे जा रहे हैं, लेकिन सैनिटाइज़र जो है नहीं बिक रहा है। और ऐसे माहौल पे जो लोग स्ट्रीट पे, रास्ते पे, सड़क पर बेच रहे हैं ऐसे सैनिटाइजर, और वो भी कोई सील पैक नहीं है, तो जो दो दवाई दुकानों से हमने बातचीत किया उनका कहना है कि वो सैनिटाइजर जो है वो सही तरीके का नहीं है। वो हो सकता है कि बेच तो रहे हैं पैसे कमाने के लिए हो सकता है, लेकिन इसकी घपला कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के आतंक के बीच लोगों को कैसे गुमराह किया जा रहा है, और वो विदाउट सील पैक खुली डिबिया है और उसमें इस तरीके से लोग जो है वो सैनिटाइज़र बेच रहे हैं जैसा कि हमने आपको दिखाया ही था। तो इन सभी जो भी आक्रांत है, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, आप गुमराह ना होइए, यही हमारा मैसेज है आप सभी के लिए। लेकिन सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सैनिटाइज़र के माध्यम से ही सैनिटाइज कर सकते हैं अपने हाथों को, आप नॉर्मल भी बार बार हैंड वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं, उस तरीके से भी आप जो है वो बच सकते हैं। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर से बेफिजूल ना निकले रोड पर, और क्योंकि ये हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि आज लॉकडाउन की स्थिति जो हो गई है पश्चिम बंगाल में, 27 मार्च तक यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आपको ज़रूरत है कि आप घर पर ही रहे और सुरक्षित रहे। तन्मय चक्रवर्ती के साथ नेहा गुप्ता, एसके लाइव। तैयारी फ्लैट लाखों को बजट के तपाईले सिलगढ़ी में फ्लैट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सीले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढंगमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट होस्टेल, कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643। अगर आप है खाने के शौकीन या आपको चाहिए केटरर, तो संपर्क करें शिव मंदिर स्थित सिलीगुड़ी न्यू अर्चलन रेस्टोरेंट एवं केटरर्स। लजीज खाने की है ख्वाहिश तो रेस्टोरेंट में आइए या घर में ही मंगवाइए। रेस्टोरेंट में एक नाम, सिलीगुड़ी न्यू अर्चलन, JR कमर्शियल शिव मंदिर, कदम तल्ला माटीगारा, सिलीगुड़ी, सालबारी सुकना, ऑपोजिट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डायल करिए 9002299606 अथवा 8695149676।